पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विरासत टैक्स का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी अब टैक्स लगाया जाएगा। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस का मंत्र है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। साथ ही आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले किया कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी,